सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, मैं कामता उपाध्याय आपका ध्यान आज खास बात पर एक आकर्षित करने जा रहा हूं, और वो है गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। अक्सर बहुत सारे रूल हैं ऐसे, तो गोल्डन बहुत सारी बातें भी हैं, लेकिन जिसमें से एक स्वर्ण से स्वर्ण रूल या एक स्वर्ण नियम मैं कह सकता हूं, वो है गोल्डन रूल। अगर आप मार्केट में, स्टॉक मार्केट में पूर्ण रूप से सक्सेसफुल होना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सदैव सफल रहना चाहते हैं, तो ये की इसका रूल है जो आपको फॉलो करना चाहिए। और वो रूल ये है, बाय शेयर्स व्हेन पीपल आर सेलिंग, सेल शेयर्स व्हेन पीपल आर बाइंग। कहने का अर्थ ये है, शेयर्स आप खरीदिए जब सभी लोग बेच रहे हैं, और शेयर तब आप बेचिए जब सभी लोग खरीद रहे हैं। कहने का अर्थ, इस शब्द और वाक्य के पीछे जो गहराई है उसके ओर आपका ध्यान आकर्षित हो। खास रूप से शेयर आप तब खरीदिए जब लोग बेच रहे हैं शेयर्स। इसका अर्थ यह है कि लोग अब घबरा गए हैं, लोग डर गए हैं कि शेयर मार्केट पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं कल क्या हो जाएगा, और उस घबराहट और डर में वो सारा का सारा जो उनके पास शेयर सब बेच रहे हैं, क्योंकि मार्केट में हो सकता है कोई बहुत बड़ा बैड न्यूज जब शुरू हो जाता है तब लोग शेयर्स को बेचना शुरू कर देते हैं। और जब शेयर लोग बेचना शुरू करते हैं तो पूर्ण रूप से उसका भाव भी नीचे गिरने लगता है। तो धीरे धीरे जब भाव नीचे गिरने लगता है तो शेयर्स, अच्छे जो शेयर्स हैं, और सस्ते होने लगते हैं, और जब शेयर्स काफी सस्ता होने लगता है तब आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट करने का गोल्डन टाइम वहां शुरू हो जाता है। तो कहने का यहां अर्थ यह है कि आप तभी शेयर्स खरीदिए जब बहुत बड़े पैमाने पे शेयर्स की बिकवाली हो रही है, और वो बिकवाली होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें कोई बहुत बड़ा बैड न्यूज, कोई बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो मार्केट में आ जाता है, और अचानक कोई नेगेटिव ट्रेंड जब शुरू हो जाता है तब मार्केट नीचे क्रैश होने लगता है। ऐसे समय पे ही आपका थोड़ा थोड़ा खरीदना या शेयर्स को लेने का विषय यहां पर आपके लिए शुरू हो जाता है। तो ये पहला आपका पॉइंट गोल्डन रूल का बेसिक थिंग यहां पर ये बात कहता है। दूसरा, आप शेयर्स तब बेचिए जब लोग खरीद रहे हैं। आपको शेयर्स तभी बेचना है जब लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर्स में, बहुत बड़े पैमाने पे बुलिश ट्रेंड काफी चल रहा है। ऐसे समय पे आपको शेयर्स जो आपने रखा है वो कुछ पैमाने पे बेचा जा सकता है, और यहाँ पे एक आप अच्छा सा, बहुत अच्छा डिसेंट प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। तो यही यहाँ पर गोल्डन रूल है स्टॉक मार्केट में आपके इन्वेस्टमेंट का। बात विषय ये है कि जो लॉन्ग टर्म की बात है वो तो अपनी जगह है, लेकिन जब आपने शेयर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है और उस दौरान ऐसा कोई बात हो रहा है तो यहाँ पर शेयर्स कुछ बिकवाली करके निकल जाना चाहिए, और यहाँ पर एक अच्छा सा डिसेंट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का जो आपका बेसिक सिद्धांत जो है कि उसमें से कोई रिटर्न मिले, कोई अच्छा सा रिटर्न मिले या डिसेंट रिटर्न हो, तो तभी पॉसिबल होगा जब आप ये गोल्डन रूल फॉलो करते हैं। तो यही है इस बात का विषय जो मैं आपके सामने रखा। मैं मानता हूं इस बात को आप समझ चुके होंगे और इसे आप लागू भी करेंगे, लेकिन मैं यही कहूंगा फिर भी, आप जब भी शेयर्स खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, पूरा अपना अध्ययन करके, पूरा नॉलेज लेकर ही उस कदम को उठाइए जिसमें आप हमेशा सफल रहें। बस इतना ही कहना था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं।